नमस्कार दोस्तों, सार्जन फूडलेट पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कल्याणी पडाला की, जिन्हें कराटे कल्याणी के नाम से जाना जाता है। कल्याणी पेशे से एक एक्टर और कॉमेडियन है। कल्याणी का जन्म 31 अक्टूबर 1977 को विजयनगरम आंध्र प्रदेश में हुआ था। दोस्तों उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कल्याणंदा भारती हाई स्कूल आंध्र प्रदेश से की। इसके बाद उन्होंने वर्ष 2001 में फिल्मी दुनिया में कदम रखा। उन्होंने तेलुगु फिल्म वेची वुंता से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। इसके बाद कई तेलुगु फिल्मों में अभिनय किया, जैसे कि माँ अल्लडू वेरी गुड, छत्रपति कृष्णा, मीरा पाके, गौतम नंदा, राजा द ग्रेट और कई अन्य। वर्ष 2013 में उन्होंने तेलुगु टीवी शो गोरंता दीपम में अभिनय किया। दोस्तों वो एक एक्टर होने के साथ साथ एक ट्रेंड सिंगर भी हैं। उन्होंने कई स्टेज शो में परफॉर्म किया है। वर्ष 2015 में उन्होंने श्री अदि बातला श्री काला पीतम की स्थापना की। दोस्तों 20 जून 2015 से 25 जून 2015 तक उन्होंने हैदराबाद के सिद्धार्थ नगर कम्युनिटी हॉल में 114 घंटे 45 मिनट और 55 सेकंड तक लगातार हरेकता का प्रदर्शन किया। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। कल्याणी कई बार कंट्रोवर्सीज में भी आ चुकी हैं। दोस्तों एक बार की बात है, जब एक टीवी शो डिबेट में उन्हें श्री रेड्डी मलद्दी के साथ कास्टिंग काउच के बारे में बात करने के लिए शो में आमंत्रित किया गया, तब उनकी श्री रेड्डी से किसी बात को लेकर काफी झगड़ा हो गया था। फिर वर्ष 2018 में हैदराबाद टास्क फोर्स ने जहांगीर नगर के पास कुछ क्लब्स में छापा मारा था और कई लोगों को वहां बैठकर जो जुआ खेल रहे थे उनको अरेस्ट किया था। अरेस्ट किए गए लोगों में कल्याणी का नाम भी शामिल था। जी हां दोस्तों, उनके पास से 80,000 रुपए की नकदी बरामद की गई थी। हालांकि उन्हें बाद में छोड़ दिया गया था। अब वर्ष 2020 में उन्होंने स्टार मार टीवी शो बिग बॉस तेलुगु सीजन 4 में एज अ कंटेस्टेंट भाग लिया। तो दोस्तों अब बात करते हैं उनकी फैमिली के बारे में। तो उनके पिता का नाम पडाला रामदास है, जो पेशे से एक फेमस ढोलक और तबला प्लेयर हैं। उनकी मां का नाम विजय लक्ष्मी है। कराटे कल्याणी के दो भाई भी हैं, जिनका नाम पडाला तरका रामराव और पडाला धीरज है। दोस्तों कल्याणी ने दो शादियां की हैं। उनकी पहली शादी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई थी और कुछ समय बाद उनका तलाक हो गया था, जिसके बाद उन्होंने कसारला श्याम से शादी की। दोस्तों कराटे कल्याणी का एक बेटा भी है, जिनका नाम चतन सई रामनव है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कल्याणी की हॉबीज के बारे में। तो उन्हें सिंगिंग, पेंटिंग और डांसिंग बहुत पसंद है। दोस्तों कल्याणी को कराटे बहुत पसंद है और उन्होंने कराटे में ब्लैक बेल्ट भी जीती है। इसके अलावा कराटे खेलते हुए वो गोवा, भुवनेश्वर और चंडीगढ़ में कई अवार्ड जीत चुकी हैं। तो ये था कल्याणी के जिंदगी का सफर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टार्स अनफोल्डेड को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कराटे कल्याणी से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए स्टार्स अनफोल्डेड के लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।